हेलो भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी लीजेंड अखाड़ा में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिनिटिस और बनिस एसा के बीच में होने वाले आज के ईसीएस रोमानिया टी10 मैच के बारे में, जो कि दोस्तों ईसीएस रोमानिया टी10 का मैच नंबर 6वां खेला जाएगा। इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट प्लेयर के बारे में जिसे आपको अपनी टीम में रखना है, ठीक है। बात करेंगे कप्तान और वाइस कैप्टन के बारे में जिसे आपको अपनी टीम में करके जाना है दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि चीज़ों को अच्छे से समझो, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मैच के बारे में। तो दोस्तों मैच नंबर 6वां इस ईसीएस रोमानिया टी10 का खेला जाएगा GIN और BAN के बीच में। 11:45 में मैच स्टार्ट होगा दोस्तों, और वेदर की बात करें तो रेन के चांस यहां पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और वेन्यू रहेगा मुवारा क्रिकेट ग्राउंड काउंटी बुचारेस्ट का। और पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक बैलेंस सरफेस आपको ओवरऑल देखने को मिलेगा, ठीक है। और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो टोटल 5 मैच इस वेन्यू पर खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट ने 2 मैच जीता है, बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने 3 मैच यहाँ पर विन किया है, ठीक है। एवरेज स्कोर आपको 100 से 120 के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टीम ZIN के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों इनकी तीन टीम से ओपन करेंगे महेश बर्वे और कविशा देविंदा। मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों ओपन करने चाहिए। महेश बर्वे का देख सकते हैं दोस्तों ओवरऑल 37 मैच में 556 रन, 18 का एवरेज है। प्लेयर शानदार है दोस्तों, ठीक है, 18 का एवरेज है, बिल्कुल ओपनिंग करेगा तो टीम में रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों कविशा देविंदा हैं, ओवरऑल 45 मैच में 1209 रन है, 34 का एवरेज है इसका, 25 विकेट भी है इसके नाम, और 93 ओवर भी इसने किया है। खेलेगा तो 2 ओवर की बॉलिंग भी करेगा, साथ ही बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन आपके लिए दिया रहेगा, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन करेंगे जब भी ओपन करने के लिए आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जॉबी चार्ली हैं, टी10 के 10 मैच में 21 रन है, 9 विकेट, 16 ओवर डाल के ये भी खेलेगा तो 2 ओवर की बॉलिंग कराएगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लेकर के चल सकते। उसके बाद दोस्तों सवंता राजकुमाराना है, ओवरऑल 3 मैच में 1 विकेट, 3 ओवर डाल के उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है इसका, ड्रॉप करके चल सकते हो। रजीश पुथेन है दोस्तों, ओवरऑल 39 मैच में 32 रन, 35 विकेट, इसके नाम 76 ओवर डाल के खेलेगा तो 2 ओवर की बॉलिंग कराएगा, बॉलिंग अच्छा कराता है दोस्तों, लेकर के चल सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पसिंदु विंदुला है टी20 के दोस्तों 2 मैच में 1 विकेट, 5 ओवर डाल के, ठीक है, खेलेगा तो दोस्तों बॉलिंग करा भी सकता है ये, नहीं भी करा सकता है, लेकिन दोस्तों ओवरऑल एक अच्छा रिकॉर्ड है इसका टी20 के अंदर, ठीक है। लहरू वाटागोडा हैं जिनका ओवरऑल 5 मैच में 2 विकेट है, ठीक है, 7 ओवर डाल के उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है, ड्रॉप करना चाहो तो करके चल सकते हो। उसके बाद दोस्तों नदीन सदाउरन है जिनका टी20 के 1 मैच में 3 रन है, उतना अच्छा खासा इसका भी रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों, ड्रॉप करके चल सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों विमेश मधुवंता है, ओवरऑल 4 मैच में 1 विकेट है, 5 ओवर डाल के उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है लगा मेरे को इनका, ड्रॉप करना चाहो तो करके चल सकते हो। हसिंदू चमिका आएंगे दोस्तों, ओवरऑल 5-6 मैच में 103 रन है, 25 का एवरेज, 5 विकेट, 5 ओवर डाल के उसका भी उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों। सुदीप विश्वास हैं टी20 के 1 मैच में 2 विकेट हैं, 1 ओवर डाल के खेलेगा तो ये 2 ओवर की बॉलिंग करा सकता है, इसको पिक करके चल सकते हो दोस्तों, ठीक है। अभी के लिए आप अपनी टीम में रख सकते हो महेश बर्वे, कविशा देविंदा को, और दोस्तों यहाँ से जॉबी चार्ली को लेकर के चल सकते हो। रजित उथेन है यहाँ से इम्पोर्टेंट, जिनको अपनी टीम में लेकर के चल सकते हो। और दोस्तों यहाँ से आप चाहो तो लहरू वाटागोड़ा को लेकर के चल सकते हो, और नीचे से दोस्तों आप सुदीप विश्वास को अपनी टीम में पिक करके चल सकते हो। बाकी दोस्तों इनके बेंच के प्लेयर्स आप देख लीजिए, कोई भी खेले तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, सारे प्लेयर्स के रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बात करें दोस्तों स्टार्टिंग ओवर की, तो कविशा देविंदा, पसिंदु विंदुला, और डेथ ओवर्स में दोस्तों पसिंदु विंदुला, रजित पुथेन आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं टीम BAN के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों इनकी टीम से ओपन करेंगे ईशान हंसिका और कोसाला रानाथुंगा, ठीक है। ईशान हंसिका का दोस्तों आप यहाँ पे रिकॉर्ड देख सकते हैं, 5 मैच में 77 रन, 15 का एवरेज है, उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ओपनर करेगा तो बिल्कुल टीम में लेने लायक रहेगा, ठीक है। कोसाला रानाथुंगा है दोस्तों टी10 के 8 मैच में 98 रन है, 12 का एवरेज है, उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों, लेकिन ओवरऑल 36 मैच में 626 रन, 20 का एवरेज है, 15 विकेट, 31 ओवर डाल के तो लेना चाहो तो लेकर के चल सकते हो, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों इजाज हुसैन है T10 के, दोस्तों 24 मैच में 477 रन, 26 का एवरेज है, 21 विकेट इसके नाम, 40 ओवर डाल के बिल्कुल लेकर के चलना, 2 ओवर की बॉलिंग भी कराएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन का दावेदार रहने वाला है। हामिद नवाज ओवरऑल 10 मैच में 10 विकेट 31 ओवर डाल के बिल्कुल इसको भी लेकर के चलना है दोस्तों, रिकॉर्ड भी अच्छा है, मतलब रन्स पे 233 रन 29 का एवरेज है, लेकर के चल सकते हो। उसके बाद दोस्तों एड्रियन डेविड हैं, ओवरऑल 10 मैच में 3 विकेट 7 ओवर डाल के उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है, ड्रॉप करना चाहो तो करके चल सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब्दुल अलीम हैं, ओवरऑल 12 मैच में 13 विकेट इसके नाम है, 34 ओवर डाल के लेकर के चलना है बिल्कुल, ठीक है। अगर ये उसके बैटिंग ऑर्डर ऊपर जाता है तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी करके चलेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नोमन साजिद हैं, T10 के 9 मैच में 92 रन है, 11 का एवरेज, ड्रॉप करके चलिएगा, उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है इसका। महेश प्रसन्ना दोस्तों T10 के 17 मैच में 12 विकेट 26 ओवर डाल के खेलेगा तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, लेकर के चलेंगे इनको, ठीक है। विराज थात सारा हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग करता है, ओवरऑल 11 मैच में 9 विकेट 27 ओवर डाल के ये प्लेयर भी काफ़ी शानदार है दोस्तों, खेलेगा तो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये भी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस्पहान ढोकी हैं, T10 के 20 मैच में 7 विकेट हैं, ठीक है, इसके नाम, उतना अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों, बॉलिंग कराएगा कि नहीं ये भी कंफर्म नहीं है पूरा ओवर, ठीक है, तो अभी के लिए इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। अब्दुल साकुर हैं दोस्तों, राइट हैंड बैट करेगा, T10 के 31 मैच में 417 रन 18 का एवरेज है, इसका बैटिंग ऑर्डर दोस्तों थोड़ा ऊपर जा सकता है, खेलेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको ले लेंगे। अभी के लिए दोस्तों यहाँ से आप पिक करके चल सकते हो ईशान हंसिका, कोसला को ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक है। इजाज हुसैन को लेकर ना हामिद नवाज इंपॉर्टेंट है, नीचे से दोस्तों अब्दुल अलीम को लेकर के चलो, और यहाँ से महेश प्रसन्ना, और दोस्तों यहाँ से विराज था सारा इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको लेकर के चल सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों इनके बेंच के प्लेयर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी खेलेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, प्लेयर्स के रिकॉर्ड यहाँ से रीड कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी दोस्तों स्टार्टिंग कवर की बात करें तो विराज था सेरा, महेश प्रसन्ना, और डेथ कवर्स में दोस्तों इयाज हुसैन और अब्दुल आलिम आपको डेथ में बॉलिंग करते दिखेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया प्लेयर के स्टेट्स के बारे में, बात करते हैं ग्रमो टीम की। तो दोस्तों यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन से अब्दुल साकुर इंपॉर्टेंट रहेंगे तो इनको लेकर के चला हूँ, बैटिंग सेक्शन से मरवे, और दोस्तों यहाँ से आई हंसिका को लेना चाहो तो ले सकते हो, एच नवाज को अपनी टीम में लूँगा, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है लेकिन सिलेक्शन बहुत कम, एम प्रसन्ना का भी रिकॉर्ड अच्छा है दोस्तों तो इनको लेकर के गया हूँ। और अंडर सेक्शन से दोस्तों चार्ली मेरी टीम में रहेंगे, आज हुसैन, ठीक है, यहाँ से दोस्तों मधुशंका, और दोस्तों यहाँ से और उतने अच्छे प्लेयर नहीं लग रहे हैं मुझे तो मैं ड्रॉप किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एस हायर का देख सकते हो, सुपिंदर हायर का बहुत ज़्यादा सिलेक्शन है लेकिन अभी मैं इनको नहीं लिया हूँ दोस्तों, यहाँ से पुथेन को टीम में ले रहा हूँ, अभी था सारा इंपॉर्टेंट है यहाँ से तो इनको, ए अलीम का रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया है दोस्तों आप देख सकते हो, और वाटा गोड़ा का भी रिकॉर्ड अच्छा है तो इनको लेकर के गया हूँ। तो दोस्तों ये मेरी डेमो टीम है, फाइनल टीम मैं आपको अपना टॉस टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो आई हुसैन है, एच नवाज है दोस्तों, ठीक है, मरवे को भी ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, वाइस कैप्टन कैप्टन के लिए। बाकी दोस्तों ए अलीम को भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, बाकी फाइनल टीम फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन मैं टेलीग्राम पर भेजूंगा आपको, ठीक है, अपना टॉस, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।